नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC CHSL 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी फाइनली सभी की टाइपिंग हो गई है। अब ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतनी तरीके की वो बातें कर रहे हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। तो आज की इस वीडियो में मैं तीनों जो शिफ्ट हुई हैं, आपकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, उन तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि हर शिफ्ट में कितने कितने स्ट्रोक दिए गए स्टूडेंट को, और अगर किसी के ज़्यादा आ रहे हैं या किसी के कम आ रहे हैं तो क्या उन्होंने गलतियाँ की होंगी। उसके अलावा कीबोर्ड कौन सा मिला था, कंटेंट कैसा था, तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो CHSL 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे उन्हें भी टाइपिंग देना है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो 2020 वाले जो बच्चे हैं उनको तो इस वीडियो को देखना ही चाहिए, 2019 वाले तो देखेंगे ही, 2020 वाले जो बच्चे हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, तो चूँकि ढेर सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल भी आया, मैंने कुछ का वीडियो के माध्यम से, जिसका पहले कॉल आ गया उसका मैंने वीडियो भी डाल दिया, ताकि प्रयास ये था कि जल्द से जल्द वीडियो डाला जाए, ताकि जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं या थर्ड शिफ्ट वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अगर देख लें तो कुछ ना कुछ उन्हें मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो ढेर सारे स्टूडेंट ने मुझसे बात की, तो कुछ का कहना था कि उन्हें 1754 की स्ट्रोक मिले हैं, किसी का कहना था कि 1739 ही थे। एक स्टूडेंट का कॉल आया था तो वो कह रहा था कि मेरे में 1739 ही थे। किसी एक स्टूडेंट का था आया था कॉल, वो कह रहा था कि सर मेरे तो 1660 या 70 ही थे, कि स्ट्रोक किससे ज़्यादा थे ही नहीं, मैंने पूरा कर लिया, कोई गलती भी नहीं की। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में भी स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि 1700, किसी का 54 है, किसी का 1750, कोई एग्जैक्ट बता रहा है, और कोई 1749। इस तरीके से सभी स्टूडेंट का यही कहना है, और यही हाल है थर्ड शिफ्ट का। लेकिन मैं आपको इस पूरे जो तीनों शिफ्ट हैं उनका मैं सार आपको बताता हूँ। देखिए, SSC ऐसा तो नहीं करेगी कि वो आपको 1670 की स्ट्रोक दे, क्योंकि जो मिनिमम वो आपसे टाइपिंग की स्पीड मांगती है वो है 35 की स्पीड, और उसमें आपको जो कैटेगरी वाइज है वो रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके हिसाब से 1750 की स्ट्रोक SSC देगी। अगर किसी का इतना आया है तो कहीं ना कहीं उसके लिए, तो जब आपका अभी रिजल्ट आएगा तो RTI की द्वारा अपनी कॉपी निकालना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1680 ही की स्ट्रोक उनका आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो गलती की है वो ये है कि उन्होंने लाइन मिस कर दी है। ठीक है, और जो 1753-54 इस तरीके से कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उन्होंने कोई बार डबल टाइप कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। अब जिसके 1739 हो रहे हैं या 1700 मान लेते हैं, जो 40 ही कर पाया करा, इसके बाद हमारा स्पेस काम नहीं किया या कि स्ट्रोक ही पूरे हो गए थे, तो उनका भी ये सिनेरियो होगा कि उन्होंने भी कोई बार जो है वो वहाँ पे क्या होगा स्किप किया होगा, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो लगभग सभी का यही कहना है कि कोई 1749, कोई 1748 इस तरीके से बता रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1785 SSC ने दिए होंगे। अब वो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी, इस वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कम स्ट्रोक आए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि 1750 से कम किसी को नहीं मिले। अगर 1680 या 90 किसी के आए हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर एक्सेप्शन केस है, वो उसका जवाब आपको SSC देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1750 से कम किसी को नहीं मिले, वो उनकी मिस्टेक की वजह से, जिसको ज़्यादा, अगर जिसके ज़्यादा की स्ट्रोक टाइप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया है कि कोई वर्ड जो है या कोई पूरा जो सेंटेंस है उसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, और जिनके कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने कोई स्किप कर दिया है। ठीक है, तो यही इसका एक रीज़न हो सकता है। तो इसके बारे में तो फिलहाल ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अभी मैं अगले वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एक लाइन मिस हो गई है या 1750 आप पूरे टाइप नहीं कर पाए हैं तो क्या आप टाइपिंग क्वालिफाई होंगे या नहीं क्वालिफाई होंगे, तो उस पर डिटेल में वीडियो आएगी। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट का सार जो यही है वो यही है
कि की स्ट्रोक जो है वो 1785 एसएससी ने दी है। ठीक है, बात कर लेते हैं कंटेंट की, आपको कंटेंट कैसा मिला। देखो कंटेंट आपका इजी ही रहा, लेकिन एसएससी ने क्या किया, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एसएससी खेल गई कि उसने जो आपको डेमो वीडियो दिया, जो डेमो टाइपिंग दिया आपको करने के लिए, उसमें जो आपको मैटर दिया वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट था, और जो एक्चुअल आपका मैटर आया है वो लगभग, मतलब अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट ने किसी ने बोला है कि उन्हें टफ लगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी स्टूडेंट का किसी किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि सर मैटर टफ था, न्यूमेरिक कीज बहुत ही नाम मात्र की थी, एक दो न्यूमेरिक कीज हो सकती हैं जैसे कि कहीं पे मतलब कोई जो है डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया, या इस तरीके से एक दो न्यूमेरिक कीज का यूज़ था, बाकी ज़्यादा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डिफ़िकल्ट किसी को लगा तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन जो नंबर आप स्टूडेंट जिन्होंने ज़्यादा मतलब ये बताया है कि जो कंटेंट है वहाँ पे जो एक्चुअल जो कंटेंट मिला है वो बहुत ही सिंपल आया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस स्पेलिंग जो थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे कि विटामिन की हो गया, उसके अलावा मिनिस्ट्री हो गया, या मतलब जो स्पेलिंग थोड़ी सी मतलब आम बोलचाल में नहीं होती है। ठीक है, तो उस तरीके की स्पेलिंग थी, तो उससे फिलहाल इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैटर आपका कठिन आया है। तो मैटर की अगर बात करें तो कंटेंट आपका सिंपल आया है, आपको लाइन चेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जो कंटेंट था पूरा वो पूरी कंप्लीट लाइन में था, ऐसा नहीं था कि कोई आधी लाइन दी हुई है फिर आपको लाइन चेंज करने के लिए वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत पड़ रही थी, पूरा आपका कंटेंट पूरा पूरा लाइन में था, आपको पैराग्राफ वगैरह ये सब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, बैक स्पेस ये सारी चीज़ जो है वो काम हो रही थी, कंटेंट पूरा फ्लो में था, तो इसके लिए स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे कोई भी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि उन्हें कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तीन बार स्क्रॉल करने के बाद आप पूरा पैसेज टाइप कर पा रहे थे, पहली बार स्क्रॉल किया तो कुछ कंटेंट आया तिहाई, उसके बाद स्क्रॉल किया और लास्ट में आपको तीन बार स्क्रॉल टोटल करना पड़ा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, कीबोर्ड जिनको प्रॉब्लम हुई थी उन्होंने कीबोर्ड अपना चेंज करा लिया, तो अगर जैसे मान लेते 2020 में जो देने जा रहे हैं तो कीबोर्ड जब चेंज कराएं तो देख लीजिए उसका वायर वगैरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कीबोर्ड की बात करें कि कीबोर्ड कौन कौन सा मिला, तो ज़्यादातर जो कीबोर्ड अभी तक स्टूडेंट ने बताए हैं वो एसर के कीबोर्ड मिले हैं, लेनेवो के मिले हैं और डेल के मिले हैं। ज़्यादातर जिनका दिल्ली में टाइपिंग था उनको लेनेवो का कीबोर्ड मिला है, और जयपुर में जिनका टाइपिंग था उनको एसर के जो कीबोर्ड हैं वो मिले हैं। तो ज़्यादातर एसर और लेनेवो और डेल इसी का आपका कीबोर्ड मिला है। तो ओवरऑल जो आपका पूरा तीनों शिफ्ट का कंक्लूजन है वो यही है कि एसएससी ने आपको 1785 स्ट्रोक दी। अगर आपके कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी मिस्टेक होगी। अभी जब आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप आरटीआई लगा के अपना पैसेज भी मंगा सकते हैं, तो उससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वहाँ पे कंटेंट एसएससी ने इतना ही दिया होगा, इससे कम देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर इससे कम दिया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एसएससी ही उस पर आपको जवाब दे सकती है। तो जिनका कम या ज़्यादा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वो बाय मिस्टेक की वजह से हुआ होगा। ठीक है, कंटेंट ओवरऑल सिंपल था, स्क्रोलिंग की स्क्रोल जो है वो आसानी से हो रहा था, बाकी पूरा कंटेंट फ्लो में था, आपको कहीं पे भी लाइन चेंज या पैराग्राफ चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके अलावा ज़्यादातर कीबोर्ड जो थे वो लेनेवो एसर और आपके डेल के थे। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी मतलब कॉल में उन्होंने भी बताया कि उनको कीबोर्ड में दिक्कत हुई, उनका कीबोर्ड हार्ड था, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कहना है कि कीबोर्ड अच्छे थे, अच्छे क्वालिटी के थे और कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो काम की बात है वो मैंने आपको सारी बता दी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1750 अगर की स्ट्रोक आपने टाइप नहीं कर पाए हैं तो क्या आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, तो उस पर विचार करेंगे। उसके अलावा अगर आपने मतलब आप सबमिट करना भूल गए तो क्या वो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा और आप टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन तमाम चीज़ों पर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीनों शिफ्ट का कंक्लूजन था। उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी वो आप कहीं ना कहीं उनसे सहमत होंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।